हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। ये टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस महान हस्ती पे है। तो भाई आज का डिस्क्लेमर यही है कि वीडियो को ज्यादा दिल पे नहीं लेना, वीडियो को एंजॉय करना है, बस शुगल मेला लगाना है। शुगल मेले का शुगल मेले काम का जानते हो इनको? मतलब मैं इन पे एक दो बार एक्सप्लोर में देखा है। ऑलराइट, तो इन फॉलो करते हैं? नहीं, फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि स्टॉक करते हैं आप? स्टॉक नहीं करता, एक्सप्लोर पे तो 50 लोगों की फोटो आ जाती है, गधे घोड़े भी। अच्छा तो मैं गधी लग रही हूँ यहाँ जी। आज हम उसकी बात करेंगे जिसके जिस्म पर इतने कपड़े होते हैं जितना टिकटॉकर्स में टैलेंट और जितनी डिंचक पूजा को सिंगिंग। आज हम बात करेंगे उर्फी जावेद की। आपने लोगों को टिकटॉक पे हकता देखा होगा, इंस्टाग्राम रील पे हकता देखा होगा और सिंगिंग के नाम पे भी हकता देखा होगा। और ये फैशन क्वीन फैशन के नाम पे हकती है। उर्फी जावेद के जिस्म पर जितने कपड़े होते हैं उससे ज्यादा तो सलमान खान के सर पे बाल है भाई। किसी गटर कॉलोनी की फैशन क्वीन, सहरा में पानी मिल जाएगा, सियासतदानों में इंसानियत मिल जाएगी, बॉलीवुड में एक्टिंग मिल जाएगी और यहाँ तक के तमिल मूवियों में लॉजिक भी मिल जाएगा। लेकिन इसके जिस्म पर कपड़े नहीं मिलेंगे। इसका हस्बैंड बोलेगा ये सब छोड़ो, ये तो पूरी दुनिया ने देख रखा है, मैनू ओ हिसाब खा जरा हजे तक किसी ने नहीं वेखिया, मेरे वाला वर्जन पेड़। बाकी दुनिया और इसके हस्बैंड में ये फर्क होगा कि इसके हस्बैंड ने इसके जिस्म का ब्राउन पिंक हिस्सा भी देखा होगा। उर्फी जावेद का फैशन देखने से अच्छा है कि बंदा छोटा भीम और चुटकी के टोटे देख ले। एक टाइम था जब लोग सब फालतू चीजें लोया लैलन वाले को दिया करते थे, लेकिन अब ये सब लोया लैलन वाली चीजें अपने फैशन में यूज करती हैं। वैसे तो अमूमन लिखा होता है कि कूड़ा यहाँ पर फेंकना मना है, तो लेकिन इस मैडम साहबा ने अपने घर के बाहर लिखाया होगा कि कूड़ा यहाँ पर फेंके। दुनिया कहीं और से फारग होती है और ये दिमाग से फारग है। कमर तो वैसे भी खाली होती है, तो मेरी मानो कमर पे एक टैटू बनवा लो जिसमे लिखा हो कि नीचे गार है। अरे पूरी बात तो सुन लो भाई, ये लिखो कि नीचे गार है और नीचे तस्वीर भी लगवा लो गार की। अरे यार तस्वीर ना भी लगाओ तो लोग फिर भी समझ आएंगे। इसी के लगता है कि कपड़े ना पहनना एक आर्ट है, तो इस हिसाब से जंगल के सारे जानवर आर्टिस्ट ही हुए। हाँ तो तेरे जैसी ना बीगो के ऊपर कुछ कॉइन्स के लिए गंदे गंदे इंटरव्यू दे रही होती हैं और किसे कूड़ा चुकन वाली दिए और किड्डा तेरा कोई ठंडे समोसेर का मुंह है। जिस हिसाब का ये फैशन करती है ना, तो किसी दिन इसने पिछवाड़े में बल्ब फंसा कर कहना है कि मुझे जुगनू जुगनू कहो। अब ये बीबी साहबा एक इंटरव्यू में बोल रही थी कि बहुत से लोगों के मेरी वजह से घर चलते हैं, घर का तो पता नहीं लेकिन बहुत से लोगों के आपकी वजह से हाथ चलते हैं, मतलब हथी। तो समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं, देखा। कूड़ कबाड़ का सही से इस्तेमाल करना तो कोई इससे सीखे। का ड्रेस बना लेती है, लोहे का ड्रेस बना लेती है, अखबार का ड्रेस बना लेती है। इसके मोहल्ले वाले सही मजे में होंगे क्योंकि कूड़े के पैसे बच जाते होंगे। इसके बरात से बड़ी तो हिटलर की मूछे थी। इसी दिन इसने फैशन समझ कर इंडिया के झंडे को भी ड्रेसअप कर लेना और किसी ने आके इसके अंदर डंडा दे देना है। अबे ये क्या हो गया भाई यार, तुम फैशन करो लेकिन हमारे जज्बात के साथ ना खेलो ना भाई। अब अगर ठरकियों ने तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट कर ही दिया है तो इनके जज्बात के साथ तो ना खेलो ना भैया। ये क्या हुआ ना, मतलब पीछे कुछ भी नहीं यार, ये जज्बात के साथ तो ना खेलो ना भाई। खोपड़ी तो इस सर्दी में लोंडो के जज्बात के साथ तो ना खेलो, ऊपर से इतनी ठंड भी है। अब इस सर्दी में लड़कियों को टेंशन होती है कहीं बुखार ना हो जाए, ठंड ना लग जाए, नजला ना हो जाए, कहीं बर्तन ना धोने पड़ जाए। और वहीं दूसरी तरफ लड़कों को ये टेंशन होती है कहीं ट्रक ना उलट जाए। मतलब अगर ट्रक उलट गया तो भाई ठंड बहुत है, नहाया नहीं जाना भाई। लोगों को इसकी इतनी पहचान हो गई है कि इसकी कमर देख के इसको पहचान लेंगे। बड़ा को तेरा फ्राई पैन दे हैंडलर का मुंह है, एडी को तेरी मरे हुए छापर की तबीयत है और रोना तो छापर चुगन वाली है। इसने सोचा होगा कि मेरे कच्चा बादाम तो है नहीं जिसको हिला हिला कर मैं फॉलोअर लूंगी, कच्चा बादाम तो क्या यहाँ पर बादामियां भी नहीं है। फिर इसने फैशन करना शुरू कर दिया नंगे होने का, बस एक जालीदार ड्रेस रह गया वो भी बना के पाला। कैसा तेरा कोई पुठी कूणी का मुंह है, इनू किसे ठंडे मुल्क रहना पै जावे, एदा तो सारा फैशन ही मुक जावे। जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ से अगर मोबाइल गिर जाए तो। जस्ट इमेजिन करो भाई, हिलाने ना चले जाना। नहीं हूँ ऐ की नवा ड्रामा, साढ़े वरी चार्जिंग पिन लगती नहीं तो ए वरी सही चिपकी हुई है। ऐ की तरीका मोबाइल नवा चार्ज करने का, मनिया काकी के चेहरा तरक्की की है लेकिन काकी इन्ना कम वास्ते नहीं। जेड़े तो कम लभदी फिर दी ऐसे चेहरा ने बहुत प्रोडक्ट बनाया। अगर यकीन नहीं आ रहा थे एल वी यादव के घर फोन करके पता कर ला, वे घर वाले यूज करते हूँ। लोग कपड़े पा के तैयार होंगे तो ये कपड़े ला के तैयार होंगी है, देख दे चमचे एडा खुला कोट प्योदा पाए ही। अब कंपनी ने मोबाइल किसी और मकसद के लिए बनाया और इसने अपने पस्ताने छुपाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया है।
अब जिस तरह ये चीजों का गलत इस्तेमाल करती है, इसने किसी दिन तेल की जगह एल्फी का यूज कर बैठना है। फिर ना निकली आप देख रहे 8-9 हफ्ते बार। अब इस कुल्फी नुमा इंसान ने ढिंचक पूजा, दीपक लाल, राखी सावंत सबको पीछे छोड़ दिया। अब इसने इंस्टाग्राम को नॉट इंस्टा बनाया हुआ है। इसकी वीडियो देखने के बाद इंस्टाग्राम कम लगता है, इंस्टा हब ज्यादा लगता है। जो दिल करता है उतार के आ जाती है, जो दिल करता है पहन के आ जाती है। पता नहीं पहन के आ जाती है उतार के आ जाती है, कंफ्यूज कर रखा है इसने भाई। अब लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, और ये शॉपिंग करने के लिए कचरा सेंटर पहुंच जाती है। लगता ना जब बकरी सर्दी ने कटी हुई है, और लोगों की ऐसी हालत एक्सीडेंट के बाद होती है। हाँ ये फैशन है कि ब्रा और चड्डी पहनो और ऊपर कुछ भी लपेट। ऐसी होती है जो विकेट को पूरा अंदर ठोकते हुए देखकर मजा ले लेती हैं और बाद में शिकायत करती हैं कि ये विकेट को पूरा क्यों नहीं डालते अंदर जमीन के। इस बंदे ने कहा था कि रोड से किसी को भी उठाकर स्टार बनाऊंगा। फिर जावेद ने कहा कि रोड से कचरा उठाकर पहनकर स्टार बनूंगी। ओए यकीन करो ये जंगल तो संगल तड़ा के भजी है। हैज उर्फी जावेद बिकम उर्फी जावेद। उर्फी जावेद बिकेम उर्फी जावेद बाय एक्सीडेंट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उर्फी जावेद पैदा कैसे हुई? एक्सीडेंट। ओए देख कार वाले ने वैरिंग गास से तारा मंगाई है, इन्हें वो भी ड्रेस समझ के पा ली है। ड्रेस तो जो दिखाती ऊपर से इसे लकीर दिखाने का भी बहुत शौक है दिल की। गला देख रहे हो कितना खुला है इसका, अकेला गला नहीं खुला है इसका, डिग्गी भी खुली है इसकी। ओ अन्नी देओ गड्डी दी डिग्गी दी गाल कर रहे हैं अभी, गड्डी दी डिग्गी दी बहुत खुली है, एवं जेर नु किसी होर पासे ले जाते हो। तो चलो ठीक है गाइज, आज की वीडियो को करते हैं इधर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।